मेरा हमेशा से ये सपना था कि मेरी जो आर्ट है, मेरी जो कला है, वो लोगों के लिए फायदेमंद ठहरे, वो लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके, वो पॉजिटिव चेंज ला सके। तो यही सपने को मैं आज सच करने जा रहा हूँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जिसमें जिस मेरा आर्टवर्क होगा और उस आर्टवर्क से आप लोगों को जो देख रहे हैं उस वीडियो को, उनको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे उनके लाइफ के लिए, उनको कुछ सीखने को मिलेगा और इससे शायद हो जाए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के, आपका सॉल्यूशन आपको मेरे आर्टवर्क में मिल जाए। तो यही मैं, यही मेरा मकसद है और यही मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। यही इस सीरीज का पहला वीडियो है, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे, इस जगह उस जगह, इस वक्त उस वक्त, इसके साथ भी और उसके साथ भी प्रॉब्लम्स ही मिलेंगे। यहां पे सिर्फ एक इंसान आपको खुशियां दे सकता है और वो है आप खुद। जान लो, क्योंकि इस दुनिया में जिसने खुद को जान लिया उसने सब जान लिया। खुशी हमारा हक है और जीना हमारा धर्म है। तो ये है आज का आर्टवर्क जो मैंने चारकोल से बनाया है। एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेना। जब आप इसको फर्स्ट लुक में देखोगे, फर्स्ट देखोगे तो क्या होगा, तो आपको लगेगा कि ये तो सुसाइड कर रहा है। लेकिन जब आप इसको बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा नहीं, ये कुछ और है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो अपनी रस्सी है उसको तोड़ रहा है, वो बहुत ही एग्रेसिव में दिख रहा है और उसको वो तोड़ रहा है। मतलब क्या, अपने प्रेशर को तोड़ रहा है। तो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो फियर्स है, अपने जो प्रेशर है, उसको फेस करो, उसको हैंडल करो। ऐसी हार मत मान जाओ, ऐसी कोई भी स्टेप मत उठा जाओ। अपना जो फियर है उसको समझो, अपने प्रेशर को समझो और अपने फियर को, प्रेशर को तोड़ दो, उसको फेस करके तोड़ दो। तो अब हम देखते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण हम ऐसा स्टेप उठाते हैं या फिर कोई भी ऐसा सुसाइड कमिट कर देता है। तो क्या वजह है, तो एक आपको नजर आएगा कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग के कारण से। ओवर थिंकिंग क्या है, ज्यादा सोचना। अब हमें यहां पे देखना होगा कि ज्यादा सोचना अच्छा है या बुरा है। ज्यादा सोचना बुरा है जब वो सोच आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है या फिर आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो। मतलब मुझे वहां पर एडमिशन नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरे घरवाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। तो यहां पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, ये नेगेटिव सोच है, ये आपको फंसाएगी, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये तो इससे बचना है। हम जो बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग एक्चुअल में बुरा नहीं है अगर ओवर थिंकिंग हम सही डायरेक्शन में करें। तो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव बना रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो वहां पर ओवर थिंकिंग काम आती है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव सोच है आपकी, तब जाके वो ओवर थिंकिंग आपको फंसाती है और तब जाके डिप्रेशन आता है। तो और ये डिप्रेशन बाद में इतना आप पे हावी हो जाता है कि आप ठान लेते हो कि चलो अब कुछ नहीं बचा है लाइफ में, कुछ को खत्म कर लेते हैं। या फिर ऐसा कोई एक फियर होता है, मतलब कुछ भी हो गया और आप बहुत ही ज्यादा घबरा गए, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सोचा चलो कुछ को खत्म कर लेते, तो खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता, उसको देखना होता है, फेस करना होता है, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और अपने प्रेशर को तोड़ देना होता है। तो यही मैं इस आर्टवर्क से बताना चाह रहा हूं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लोग है वो सुसाइड करते ही क्यों है, वो थॉट आता क्यों है। तो जब हमने देखा कि ये क्यों होता है, तो हमें थोड़े रीजंस मिले। ज्यादातर तो रिलेशनशिप की वजह से, रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया या फिर कोई
एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाया, कोई फेल हो गया, कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था उसको वहां पे एडमिशन ही नहीं मिला, तो उसने सुसाइड कर दिया। तो ये थोड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर सुसाइड होती है। तो यहाँ पे ना हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं या फिर हम जो करने जा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा वो कैसे काम करता है। मतलब कोई भी अगर हम एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि वहां पे इतने इतने सीट्स है और इतने इतने एप्लीकेंट्स है जो अप्लाई करने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ से लिमिटेड ही सिलेक्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 अगर सीट्स हैं तो वहां पे लाखों लोग होते हैं अप्लाई करने के लिए और लाखों लोग एग्जाम देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका हो जाएगा, क्योंकि सीट्स ही 10,000 होते हैं। तो ये हमें पहले से ही समझना होगा कि वहां पे चांस कम है। यहाँ पे हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हमें खुद के एक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिजल्ट पे नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो उस एंट्रेंस की, रिजल्ट को दिमाग में रखे, और अगर गलती से आप वहां पे फेल हो जाते हो, आपको एडमिशन नहीं मिलती, तो वहां पे फियर डिप्रेशन आ जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अगर आपने पहले देख लिया कि शायद हो जाए ना हो जाए, कोई भी हो कुछ भी हो, मैं मेरे काम को प्रिपेयर, मतलब मेरे प्रैक्टिस अच्छी करता हूँ, मैं स्टडी अच्छी करूंगा, मैं प्रिपेयर अच्छा करूंगा, मैं मेरे काम अच्छा करूंगा, और बाद में आप वहां पे देने जा रहे हो, यह ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, तो ऑलरेडी आपको उधर बैकअप प्लान रखना पड़ता है या फिर रखना होता है कि ठीक है अगर नहीं हुआ तो मैं कोई और काम कर लूंगा या फिर कोई अगले साल करूंगा, फिर उसको ट्राई करूंगा। तो ये जब ध्यान में रख के जाते हो या फिर आप समझ रखते हो कि यही एक ही नहीं है, ये एक ही बात नहीं है कि जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर इसी कॉलेज में एडमिशन मिला तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते, या फिर ये एग्जाम चलो एग्जाम में फेल हो गए और फिर खत्म, सब खत्म। नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि ये बस एक एग्जाम थी, यही लाइफ नहीं थी, और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो देखना पड़ेगा। ये जब देखेंगे तो हमारा माइंड एक्सपांड होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में, सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये नहीं करना कि छोटा मोटा फेल हो गया एग्जाम में फेल हो गया, या फिर हमें कोई छोड़ के चली गई, या फिर छोड़ के चला गया, या फिर कुछ भी ऐसा बुरा हुआ, अंदर गिल्ट आई, फियर आया, तो क्या कर दिया हमने, हम नहीं, हमसे नहीं हुआ तो चलो खत्म कर देते हैं, ये दुख सहन नहीं हो रहा, खत्म कर देते हैं। अरे उसको झेलो तो, फेस तो करो, हिम्मत तो रखो, इंसान हो ना, हिम्मत तो रखो अपने, समझो खुद को, खुद को रियलाइज करो कि तुम हो कौन। चलो एक बात लेते हैं कि देख लेते हैं कि ये इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। एक्चुअली इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी हमारे स्कूल में, लेकिन वहां तो हो नहीं पा। हम बोलते हैं कि हम एजुकेटेड है, डिग्री लेके आते हैं, ये लगे एजुकेटेड है, क्या एजुकेटेड है, थोड़ा सा प्रेशर तो सहन हो नहीं पा रहा, बहुत इंटेलिजेंट है, क्या इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो क्या फायदे की वो इंटेलिजेंस। तो पहले हिम्मत बढ़ाओ, जीने के लिए हिम्मत चाहिए, इंटेलिजेंस बाद में। तो अब बात करते हैं प्रेशर की। तो एक होता है पेरेंटल प्रेशर, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर देता, एक होता है सोसाइटी का प्रेशर, जो लोग आके बोलते हैं अरे तू फेल हो गया, अरे अब क्या फायदा देता, तू तो तेरे तो औकात ही नहीं है, तू तो खत्म। और एक होता है सेल्फ प्रेशर, जो हम खुद ही खुद के ऊपर क्रिएट करते हैं। अब पहले देखते हैं पेरेंटल प्रेशर। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर ठीक है मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ या फिर मेरा बच्चा फेल हो गया तो क्या हुआ, वो मेरा बच्चा नहीं है, तब भी है ना, तो उसको क्यों ऐसा उसके साथ क्यों ऐसा सलूक करते हो कि वो कोई दूसरा है, अरे पढ़ा है, उसको क्यों बोलते कि तुम्हारी कुछ औकात है नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मत बोलो ना। आपको यह देखना पड़ेगा कि ठीक है मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ उस कॉलेज में या फिर मेरा बच्चा फेल हो गया, लेकिन क्या वो एक ही जरिया था सक्सेसफुल होने का लाइफ में। दरअसल देखो तो बाहर क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे, उनके पास डिग्री नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है एकेडमिक्स में, या फिर उनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। तो हम फर्स्ट देखते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स जो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करते हैं उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना होगा कि ठीक है अपना बच्चा वो फेल हो गया एक एग्जामिनेशन में या फिर उसको एडमिशन नहीं मिला, वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये समझना होगा कि ये एक ही कॉलेज नहीं है या फिर ये कॉलेज ही नहीं है जो अपने बच्चे को सक्सेसफुल कर देगी, ये एक ही चांस नहीं था और बहुत अपॉर्चुनिटीज है करने को। तो यहाँ पे एक पेरेंट को समझना होगा कि अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसके लिए उसकी लाइफ खत्म नहीं है, या फिर ऐसे नहीं कि वो कुछ काम कर रही है, उस देखो तो उसका पैशन क्या है, उसको इंटरेस्ट कहाँ पे है,
ये देखो वो समझो और फिर बाद में वैसे ट्रीट करो, या फिर अगर वो फेल हो गया है तो ये नहीं उसको बोलना कि तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, या फिर उसको डांट नहीं, ये क्या कर दिया, ज्यादा ही नहीं करना। तो यार पेरेंट्स को, पेरेंट्स की बहुत एक जिम्मेदारी आती है वो समझने को, सिचुएशन की समझने को, और अपने बच्चे को सही डायरेक्शन देने को, और अपने बच्चे पर यू ही प्रेशर क्रिएट ना करने की, ये जिम्मेदारी आती है। तो यहाँ पे वहां पे ये समझना होगा एक पेरेंट को कि अपने बच्चे को, बच्चे पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करें, और उसको जो सही है लाइफ में उसकी समझ दे, और आप भी समझ रखें। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ प्रेशर, जो प्रेशर हम खुद पे ही क्रिएट करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होती किसी बात की, ठीक है, हमने जब हम स्टूडेंट उस एज में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है इसने ये बोला है ना तो यही सही होगा, हम खुद देखते नहीं है, हम खुद जाके वहां पे रिसर्च नहीं करते, ठीक है ये कॉलेज है यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है यही कॉलेज है, और यहाँ पे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो खत्म, नहीं ऐसे नहीं होता। हमें देखना होता है कि सिर्फ यही नहीं है, एक ही चांस नहीं है, बहुत कुछ है करने को, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इस पर ध्यान देना होता है। यही मेन रीजन होता है लैक ऑफ नॉलेज, किसी भी फील्ड में लैक ऑफ नॉलेज यही मेन रीजन होता है फेल होने का, या फिर ऐसे स्टेप्स उठाने का यही रीजन होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता, हम खुद को समझते हैं कि ठीक है अच्छा हम फेल हो गए तो खत्म है, ऐसे नहीं करना होता है, हमें समझना होता है कि क्या हो सकता है और या फिर इससे इसको कैसे फेस करें, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करें, ये सीखना पड़ेगा। तीसरा प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग हैं जो बोलेंगे ही तुम कुछ भी करो, तुम पास हो जाओ फेल भी हो जाओ, वो बोलने ही वाले, कुछ ना कुछ तो बोलने वाले, ये तो कमियां ही निकालेंगे। तो ये हमें पहले से समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपना काम सही तरीके से करना है, लोगों पे ध्यान नहीं देना, तो कुछ भी बोल रहे हो बोलने दो, अगर तुम्हें पता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, मेरा काम सही है, तो आप उस काम को करते जाओ, ठीक है फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के डरना है, फिर से ट्राई करो, कुछ अलग करने की ट्राई करो, अपने काम पे फोकस करो, फिर लोग जो बोल रहे हो उसका आप पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे ये सबका ये जो प्रेशर क्रिएट होते हैं, या फिर कोई इंसान ये जो स्टेप उठाता है सुसाइड कर लेता है, तो इसका क्या कारण है, अगर हम बारीकी से देखें तो यहां पे एक ही चीज सामने आती है, लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। हमें समझ ही नहीं है कि हम है कौन, हमने तो बाहर दुनिया का तो बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इंटेलिजेंस बहुत बढ़ा लिया अपनी, हर फील्ड में एजुकेटेड हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम खुद क्या है, कभी ये क्वेश्चन किया है कि हम खुद क्या है, हम कौन है, हमें ये रियलाइज हुआ है कि हम कौन है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जब रियलाइजेशन होती है तब कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी फियर्स आए, हम उसको हिम्मत से फेस कर जाते हैं, और हम अपने फियर को, प्रेशर को तोड़ देते हैं। तो अपने फियर को, प्रेशर को हैंडल करो, और इन दोनों को, फियर और प्रेशर को तोड़ दो। तो ये था हमारा आज का आर्टवर्क, और ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि इससे आपको क्या सीख मिली, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी को हेल्प हो जाए, शायद किसी को कुछ सीखने को मिल जाए, और हमारे चैनल स्केच एसएमआर को सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून, थैंक यू।